नोबेल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आरंभिक मानव की खोज ये दूसरे अध्याय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। फर्स्ट अध्याय हम बता चुके हैं, आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। तो मेरा आज फर्स्ट यानी कि जो सेकंड अध्याय दूसरा लेसन है वो है आरंभिक मानव की खोज में, यानी कि आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे। तो जैसा कि आपको पता होगा यानी कि फर्स्ट अध्याय पढ़े होंगे यानी कि मैंने बता दिया है उसमें आप देख सकते हैं, तो कई लाख साल पहले लोग इधर उधर भटकते थे और आखिर तक खाद्य संग्राहक थे, खाने पीने के लिए घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह अपना खाना की तलाश में जाते यानी घूमते रहते थे। तो इसी तरह मानव इसीलिए इधर से उधर अपना जीवन यापन घूम फिर के व्यतीत करते थे। और सबसे यानी कि चार प्रमुख कारण हो सकता है, जैसा कि फल फूल खाकर समाप्त, मान चले कि जैसे कि एक जगह कई सालों तक रहने के बाद उस समय मानव विकसित उतना नहीं हो पाया था, तो एक समय एक ही जगह रहने के कारण काफ़ी सारे जो फल फूल होता था वो खाकर समाप्त कर देते होंगे, जिसके कारण वो एक जगह से फिर दूसरे जगह जाया करते थे, घूमते थे फल और फूल की तलाश में। और दूसरा कारण ये है कि जानवरों का शिकार के लिए, यानी जानवरों के शिकार के लिए, क्योंकि जानवर का शिकार मनुष्य करता था। और जब जानवर का जो घास एक जगह से समाप्त हो जाता था और दूसरे मौसम में यानी दूसरे जगह जाता था, तो जानवर जहाँ जहाँ जाता वहाँ उसके पीछे पीछे लोग भी जानवर के शिकार के लिए पीछे पीछे जाते थे, जहाँ जहाँ जानवर जाता था। दूसरा कारण और तीसरा कारण अलग अलग मौसम में फल फूल का आना, यानी कि अलग अलग मौसम में अलग अलग फल फूल लगता था, और जिसके कारण मनुष्य यानी कि एक जगह से दूसरे जगह अपने मौसम के हिसाब से जाते थे और जिससे अपना जीवन यापन करते थे। चौथा कारण यानी कि पानी की तलाश में जैसे यानी कि नदी तालाब और झरना, जैसे कि यानी कि कई झरना और तालाब कभी नहीं सूखता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ तालाब झरना या नदी बरसाती होते सिर्फ बारिश के मौसम के बाद ही पानी उपलब्ध होता है, जिसके कारण यहाँ पे लोग ज़्यादा समय तक, जो कि अक्सर यानी कि मानव सभ्यता का विकास नदी और तालाबों के, जहाँ पे पानी की कोई स्रोत होता था वहीं पे विकास हुआ है, तो इसलिए पानी की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते थे। अब दूसरा टॉपिक है आरंभ मानव के बारे में। तो आरंभिक यानी कि पत्थर और हड्डियों का औजार मिला, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे आरंभिक यानी कि आखिर तक जो आरंभिक मानव थे वहाँ पे रहते थे। औजारों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? जानवरों के खाल उतारने के लिए औजारों का इस्तेमाल जानवरों के खाल उतारने के लिए, पेड़ों के छाल उतारने के लिए, ये सारे चीज यानी कि इस्तेमाल किया जाता था औजार के लिए, औजार का इस्तेमाल जानवरों की खाल उतारने के लिए और पेड़ों की छाल उतारने के लिए। और रहने की जगह निर्धारित, यानी कि जो दूसरा मेरा टॉपिक है रहने की जगह निर्धारित, खाद्य संग्रह जहाँ रहते थे उसे पूरा स्थल कहते थे, खाद्य संग्रह जहाँ पे रहते थे उसे हम पूरा स्थल कहते थे। पूरा स्थल यानी कि अधिक जगह, यानी कि नदी झील के अंदर भी हमें मिला है पूरा स्थल जहाँ पे लोग रहते थे और कई जगह रहते थे, तो उसी जगह को हमें पूरा स्थल, उसी जगह को पूरा स्थल कहते हैं जहाँ पे लोग रहते थे। जगह का जो निर्धारण हो चुका था, निर्धारित था, उसे हम पूरा स्थल कहते हैं। अब दूसरा हम देखेंगे उद्योग स्थल हम किसे कहते हैं? तो उद्योग स्थल ऐसे जगह होता था जहाँ पे पत्थरों का औजार बनाया जाता था
उसे उद्योग स्थल कहते थे। पत्थरों का औजार उस समय, क्योंकि पत्थर काफ़ी महत्वपूर्ण था औजारों के लिए, इसलिए लोग ऐसे जगह तलाश करते थे जहाँ पे अच्छा पत्थर मिल सके। तो वहीं पे जहाँ पे अच्छा पत्थर मिलता था तो वहाँ पे एक तरह से औजार बनाया जाता था। तो जहाँ पे ये औजार बनाया गया था औजार बनाया जाता था उसको उद्योग स्थल कहते हैं। आवासीय उद्योग स्थल, आवासीय उद्योग स्थल के बारे में हमें कैसे पता चलता है? लोग यानी एक जगह कई यानी एक जगह रहते थे और वहाँ पे कई जगह औजार जो बनाते थे पत्थर के, वो पत्थर के टुकड़े जो बचते थे वो छोड़ देते थे। तो वही छोड़ने के क्रम में जो यानी कि पत्थर का जो टुकड़ा होता था वो वहीं पे रह जाता था। उस समय पता चलता था कि यहाँ पे लोग आए थे और यहाँ पे पत्थरों का कोई औजार बनाया था जिसे हम आवासीय उद्योग स्थल कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जैसे भीमबेटका है, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे यानी कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, यहाँ पे एक गुफा यानी कि कंदरा मिला है, यानी कि उद्योग पुरास्थल है। तो जहाँ पे लोग रहते थे भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, तो लोग ऐसी जगहों पर रहते थे जहाँ पे कौन सी जगह पर रहते थे, गुफाओं में, कंदराओं में, गुफा और कंदराओं में रहते भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में। तो गुफा और कंदराओं में रहने का कारण था हवा, पानी और बारिश से बचाव। ये तीनों चीज बड़ी महत्वपूर्ण था मनुष्य के लिए, जो कि गुफा होता था इन सब चीज़ों से हमें बचाव करता था। जैसे प्राकृतिक गुफाएं, कुछ प्राकृतिक गुफाएं जैसे बिंद के दक्कन में पर्वतीय इलाके में कुछ प्राकृतिक गुफाएं हैं जो कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। और दूसरा हम टॉपिक देखेंगे पुरास्थल। पुरास्थल हम किसे कहते हैं पुरास्थल? तो पुरास्थल जहाँ पे लोग रहते थे और रहने के बाद वहाँ पे चले जाते थे, वहाँ से कहीं और चले जाते थे, तो उसी जगह को पुरास्थल कहते हैं जहाँ पे औजार, बर्तन, इमारत आदि चीज़ों का हमें अवशेष मिलता है। ये कई वर्षों के बाद ज़मीन के ऊपर या नीचे या समुद्र के तल में भी हमें ये सारे चीज़ मिला है। पुरास्थल से ये सारे बर्तन, औजार और इमारत का अवशेष जो भी है ये सारे चीज़ निकलता है। इसलिए ऐसे जगह को हम पुरास्थल कहते हैं जहाँ पे लोग पहले रहते थे और जो उनका इस्तेमाल किया गया सामान था वो वहीं पे छोड़ दी या किसी कारणवश, और इसके बाद ज़मीन के अंदर यानी कि ज़मीन के ऊपर या समुद्र के तल में दब गया, जो कि बाद में पुरातत्वविदों ने निकाला होगा, तो उसे पुरास्थल कहते हैं। पाषाण औजारों का निर्माण, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण औजारों का निर्माण यानी कि दो तरीके से हो सकता है, जैसे पत्थरों से पत्थर टकराकर, मान चलिए एक यानी कि हम जैसे ले सकते हैं एक ये पत्थर हो गया और इसे हम पत्थर से पत्थर टकराकर हमने औजार यानी कि बना सकते हैं जब तक इसमें से सल्क नहीं निकल जाए, पत्थरों से पत्थर टकरा के। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज था दबाव सल्क तकनीक के द्वारा, यानी दबाव सल्क तकनीक के द्वारा, मान चलिए एक कोई पत्थर है, ये मान चलिए पत्थर है, हम इसको कहीं पे यानी कि इसको कहीं पे ऐसे रख सकते हैं जो कहीं पे अच्छे से पकड़ मजबूत हो सके, और उसके ऊपर हथौड़ी नुमा चीज़ से कुछ हम उस पर दबाव करेंगे और पत्थर से यानी कि हथौड़ी नुमा चीज़ से आघात करेंगे जब तक वो पत्थर यानी कि हाथे जो भी औजार के रूप में ना बन जाए, तब तक हम उसे आघात करते रहें। पाषाण औजारों का निर्माण ये टॉपिक और समझ गए होंगे, और इससे पहले भी मेरा वीडियो फर्स्ट लेसन का बन चुका है, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ऐसे ही अभी वीडियो यानी हिस्ट्री क्लास सिक्स के लिए बनता रहेगा। अगर क्लास सिक्स के स्टूडेंट है या आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आग की खोज, जैसे आग की खोज कब हुआ था और कैसे कहाँ पे हुआ था, तो एक पिक्चर आपको लगा देंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं, मैप देख लेंगे, भारत के मैप। तो
तो उसमें कहाँ कहाँ पे गुफा था और कहाँ के आग कहाँ पे आग का अवशेष मिला था, तो एक कुर्नूल गुफा है, कुर्नूल गुफा में आग का अवशेष मिला था। तो इससे हमें प्रतीत होता है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, आग जलाना सीख गए थे। तो आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग जलाने का यानी कि आग का इस्तेमाल किस लिए होता था, क्या क्या फ़ायदा होता था, तो आग का इस्तेमाल जैसे 300 से बड़ा फायदा। एक तो हमें मांस भूनने का एक जरिया मिल गया, तरीका हो गया, मांस भून कर जो खाते थे खतरनाक जानवरों को दूर भगाते थे, आग से खतरनाक जानवरों को दूर भगाते थे दूर रखने के लिए और प्रकाश के लिए। ये तीनों चीज़ महत्वपूर्ण हो चुका था और महत्वपूर्ण हो गया था मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर रखने के लिए और प्रकाश के लिए, यानी कि गुफाओं जैसे प्रकाश के लिए। तो आग की खोज ये कंप्लीट हो चुका। अब देखेंगे हम बदलती जलवायु, यानी बदलती जलवायु। तो 12,000 साल पहले अचानक यानी कि जलवायु का बदलाव हुआ और उसमें गर्मी बढ़ने लगा। तो गर्मी बढ़ने के बाद 12,000 साल पहले गर्मी बढ़ने के बाद घास के मैदान का यानी घास के मैदान का विकास हुआ, घास का मैदान का विकास हुआ। तो घास का मैदान विकास होने के बाद तो इससे क्या हुआ, कई सारे जानवर की संख्या अचानक बढ़ी, जिसमें से बारहसिंघा, हिरण, भेड़, बकरी, गाय इत्यादि की जनसंख्या बढ़ने लगी तो जिससे यानी कि मनुष्य था यानी कि खाना और पीना और प्रजनन, जो जानवर का खाना पीना और प्रजनन की जानकारी हासिल करने लगे। तो उसके बाद इन्होंने जो हासिल कर लिया खाना पीना और प्रजनन का तरीका, उसके बाद ज़रूरत के अनुसार जानवर को पालतू बनाने के बारे में सोचने लगे। जब जलवायु में परिवर्तन आया और कई जगह घास का मैदान हुआ, जिससे यानी कि कब जलवायु परिवर्तन हुआ, 12,000 साल पहले जब गर्मी बढ़ने लगा। तो उसके बाद यानी कि जानवरों के बारे में प्रजनन खाने पीने के बारे में जानकारी लिया और उसके यानी कि पालतू बनाने के बारे में सोचने लगे। और इसी समय मछली भोजन का प्रमुख स्रोत बन गई थी, यानी कि मछली भी इस समय तक भोजन का प्रमुख स्रोत बन गया था। उपमहाद्वीप में जौ, गेहूं, धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे। जो उपमहाद्वीप है यानी कि उपमहाद्वीप के बारे में हम बताए हैं, भारतीय जैसे उपमहाद्वीप है, तो इसमें जो जो फसल था गेहूं, जौ, धान जैसे प्राकृतिक रूप से यानी उगने लगे प्राकृतिक रूप से। तो महिला पुरुष और बच्चों ने भोजन के लिए अनाज को बटोरना शुरू किया।